नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। अतुल सर चले गए हैं, ट्वीट अब हो नहीं रहा है और सीटेट अभ्यर्थी जो जनवरी में पास किए हैं उनके साथ ये समस्या है कि सीरियल नंबर क्या लिखे हैं, कब का डेट डालें, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो देखिएगा दो जिला का अभी तक का जो दिया गया है सीट कितना है क्या है, इस पर भी समस्या है। कल तक जो मैं बनाया था वीडियो, लगभग 1,35,000 केवल 1 to 5 में आवेदन हो गए थे और 6 to 8 का कोई उस तरह का डाटा नहीं था, 1 लाख के करीब नहीं पहुंचा था। लेकिन 11th 12th में आप चले जाइए, 9th 10th में चले जाइए तो 9th 10th में 1,01,081 आवेदन हुआ था। अभी तक यह संख्या बढ़ गया होगा। आवेदन इतना कम क्यों गिर रहा है, इसका बहुत सारा कारण है। सबसे बड़ा समस्या यह है कि अभी स्टेट वाले भी परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं। स्टेट का जो ये आप वितरण हो रहा है, अदर स्टेट की के जो लोग हैं उनको कहाँ मिलेगा, किस तरीका से होगा, सब पर जानकारी लेंगे। जो आपका कमेंट आ रहा था आवेदन में, यदि आप कहीं गलती कर दीजिएगा तो इस बार कोई मौका मिलने वाला नहीं है, इस बात को आप गांठ मान लें। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी। बहुत बहुत आवेदन बहुत कम गिर रहा है जिस तरीका से देखा जाए, इसका बहुत एक कारण हो सकता है, सीटेट वाला भी सबसे बड़ा कारण। सर सीटेट में क्या समस्या है, पिछला बार NA लिखवाया गया उसके बाद फिर एडिट करवा के बदलवाया गया, इस बार क्या होगा? नहीं, अभी भी देखा जाए तो ये क्लियर नहीं किया गया है, तो इसलिए कोई उसमें अपने अपने तरीके से उसको भर रहे हैं। तो जैसे पिछली बार अतुल प्रसाद सर NA लिखने का एक ऑप्शन दिए थे, बाद में एडिट करके उसको बदलवाए थे, तो हमको लगता है कि अगर मोटा मोटी माने तो NA दिया जा सकता है जो बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन ये भी यकीन के साथ कह सकते हैं कि इसमें कुछ न कुछ बाद में चल करके आयोग बदलाव करने का प्रयास करेगी कि और इसको लेकर के स्पेशली कुछ गाइडलाइन जारी करके एडिट का ऑप्शन दे सकती है। अभी तक ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें पहले सीट बताया जाता है, वो जिला वाइज हो, आरक्षण वाइज हो, जो, लेकिन BPSC आए दिन ऐसा ऐसा करनामा कर रही है, इस बार सीट अभी दिया ही नहीं गया। बच्चे आवेदन करें तो कैसे करें, यदि कोई जिला में आप आवेदन कर देते हैं वहां सीट कम है, आपका रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। आप जिस आरक्षण कोटि से आते हैं, अन्य जिला में अपने जिला में सीट कम होता है तो आप दूसरे जिला में जाते हैं, 3 जिला च्वाइस करते हैं। सर इसको लेकर भी आवेदन कम गिर जाएगा, ये मुख्य कारण है आवेदन कम गिरने का, क्योंकि अभी देखेंगे इतने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, देख लीजिए कितने सारे, यहाँ लगभग 5,000 प्लस बच्चे हैं। तो जब इनसे भी बात कीजिएगा, एक मोटा मोटी एवरेज जो बच्चे आके हमसे मिलते हैं बताते हैं, तो इन तमाम छात्रों का वही राय है कि सर अभी कैसे हम फॉर्म भरें जब तक कि कुछ क्लियरिटी नहीं आ जाती है। तो इसलिए हम भी अभी आप देखिए कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट किस क्लास का कितना है वो जारी किया गया है, तो उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर में अन्य डिस्ट्रिक्ट भी पूरा डिटेल अपना जारी कर देगी। तो इसलिए हम तमाम छात्रों से कहना चाहते हैं कि अगर 1 दिन 2 दिन रुकना पड़े तो थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, क्योंकि अभी प्रोसेस में अभी लगेगा टाइम और लास्ट डेट में भी अभी समय है, इसलिए 1 दिन 2 दिन में हमको लगता है कि निश्चित रूप से आयोग इस बात को डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट क्लियर कर देगी, वो शुरुआत कर चुकी है। सर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट क्लियर करेगी, शुरुआत करेगी, जब अंतिम समय होता है तो साइट स्लो हो जाता है, आवेदन करने में गलती हो जाता है। साइबर कैफे में जाइए तो 12 बजे रात तक आवेदन होता है, 2-2 बज जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत महिला लोगों का होता है और महिला में सबसे बड़ा समस्या अदर स्टेट के लोगों का है कि इस बार औरंगाबाद का नोटिस देखिए, नालंदा का नोटिस देखिए, बहुत सारे जगह TRE 1 हो, TRE 2 हो, 2 माह 1 माह का वेतन देकर भी उन लोगों को हटा दिया गया। बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए सीटेट को लेकर कि 90 अंक नहीं था, बहुत लोग कॉल करते थे, मैं बताता था नहीं 90 चाहिए, तो उन लोगों को लगता था कि बिहार के हैं कहीं गलत बता रहे हैं, वो लोग आवेदन किए। लेकिन ऐसा कंफ्यूजन अदर स्टेट के बच्चों के साथ ज्यादा थी, क्योंकि अदर स्टेट के छात्रों को ये लगता था कि जब सीटेट सेंट्रल ही ये बात जारी कर दी है कि जनरल यू आर मेल फीमेल 90 होना चाहिए और फिर अदर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 55% जो निर्धारित की है वो, लेकिन बिहार के संदर्भ में ये बातें बदल जाती है। बिहार में महिलाओं का देखिएगा कि आप किसी कैटेगरी की महिलाओं, UR महिला की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए 55% निर्धारित है, 55%, जबकि सेंट्रल में ये यहाँ पर अंतर हो जा रहा है। तो इसलिए करके अदर स्टेट के UR मेल हो या फीमेल हो, ये मान करके चलें कि 90 मार्क्स से कम होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस बात को एकदम कंफर्म है। और बिहार के संदर्भ में जहाँ ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसे बिहार के अगर SC ST और विकलांग कैटेगरी के जो है तो उनका मात्र 50% यानी 75 ही उसका दिया गया है कि इससे ऊपर अगर आप मार्क्स है तो आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, और अगर आपका कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं है तब भी आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि मे बी कि आप
अब पास कर जाएं इसका और वेरिफिकेशन भी आप पास कर जाएं, लेकिन जब सेकंड फाइनल वेरिफिकेशन जब करवाती है, अभी देखिए कितने बच्चे बाहर निकल रहे हैं, इस लेकर के 100% एलिजिबिलिटी आपका बन रहा है तभी फॉर्म भरें, नहीं तो बाद में चल करके और आपका तकलीफ भरना है। इसलिए कि बहुत सारे छात्र अभी भी हमको मिले हैं कि कम्बिनेशन में उनका मैथ और साइंस में प्रॉब्लम हुआ है, गलती से वो साइंस में चले गए हैं, अभी टेस्ट का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, परीक्षा भी देंगे, लेकिन वैसे तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आगे चल करके अगर आप मैथ ग्रुप में कम्बिनेशन बन रहा है, गलती से आप साइंस में घुसे हैं, तो आगे चल करके परेशानी होना है। अब एस्टेट पिछली बार क्या था लैंग्वेज को लेकर के, कि वहाँ जिनका 3 साल लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए था वही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी रखते थे, लेकिन उसके बाद 2001 जो TRE1 हो गया एस्टेट उस समय जो हुई, उसके बाद चल करके नियम बदल दी कि 2 साल भी अगर सब्सिडी के रूप में आपका लैंग्वेज पढ़ा हुआ है या 3 साल आपका पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये बाद में चल करके कंडीशन चेंज हुआ है, इसलिए TRE1 के वक्त जो इस तरह के कंडीशन में भाग लिए थे सब्सिडी में जिनका लैंग्वेज था उनको बाहर कर दिया गया। अभी आपका नोटिस के थ्रू देखे होंगे नालंदा से बाहर, हाँ बाहर किए गए हैं, लेकिन बाद में चल करके ये रूल बदल दिया गया। तो इसलिए पहले अपने रूल रेगुलेशन या नोटिफिकेशन में जो दिया है अच्छे से नोटिफिकेशन का स्टडी करें तभी जाकर के आप फॉर्म भरें, क्योंकि आप सही सही तरीके से फॉर्म अगर भर दिए तो 50% तो ऐसे ही आपका बढ़ जाती है संभावना, नहीं तो खूब अच्छा परफॉर्मेंस दे दें। अगर आप शुरू फॉर्म में गलत भर दिए हैं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। सर बहुत लोगों का ये भी मांग है कि हमको अपीयरिंग में मौका दे दिया जाए, लेकिन आयोग शिक्षा विभाग अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, इवन सरकार भी कोई संज्ञान नहीं लिया, पक्ष हो या विपक्ष हो अभी वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। सर क्या उम्मीद है, क्या अपीयरिंग वाले को मौका मिल सकता है या अब इस बार वो लोग TRE4 की तैयारी में लगे? इधर KK पाठक सर कहीं जाते हैं तो TRE5 भी आएगा 1 लाख वैकेंसी दे दिया जाएगा, TRE4 भी आएगा 1 लाख आ जाएगा, वो कहाँ से डाटा दे देते हैं? इधर चले जाए तो प्रवक्ता बोलते हैं वो कौन होते हैं बोलने वाले, इस सबको लेकर विद्यार्थी बहुत कंफ्यूजन में कि आगे वैकेंसी आएगी कि नहीं। नहीं, वैकेंसी तो इलेक्शन है इसलिए आएगी TRE4, TRE5 के बारे में पता नहीं, क्योंकि TRE5 नहीं आएगी, ये हम कहने वाले कौन होते नहीं आएंगे, लेकिन उसकी अभी हमको जो लगता है परिस्थिति उसकी गारंटी अभी नहीं है, मे भी आए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, लेकिन TRE4 सियोर आएगी क्योंकि 2025 में स्टेट में इलेक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इसको मिस नहीं करना चाहेगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि TRE1 के बनस्पत TRE2 का किस तरीके से कट ऑफ बढ़ा है, और जिस तरीके से एक इशारा भी दिया गया कि TRE3 में क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, चूंकि जिस तरीके से स्टूडेंट का लेवल बढ़ रहा है तो आयोग भी चाह रही है कि हम भी अपना लेवल बढ़ा करके चलें। तो इसे लेकर के हम कहना चाहते हैं कि अब बहुत जिस नॉर्मल पढ़ाई में आपका काम नहीं चलना है आपका, इसलिए पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपका होना ही चाहिए। अभी आप देख रहे हैं इतने 5000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, बहुत दूर दूर से बाहर बाहर से आकर के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो और कट ऑफ जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि गंगा घाट के टेस्ट का कट ऑफ 94, 95, 120 में चला जा रहा है, तो यही कमोबेश परफॉर्मेंस वहाँ भी रहना है। इसलिए करके बहुत बेहतर नहीं अगर आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो समस्याएं आपके लिए बनी रहेगी। और कुछ सुझाव जो आप देना चाहें आवेदन में लेकर, आवेदन में किस तरीके से सावधानी बरतना चाहिए, कहां कहां विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आवेदन गलती ना हो, यदि आवेदन कर देते हैं सही कर देते हैं तो 50% आप ही बता रहे हैं कि तैयारी हो गया, सिलेक्शन समझिए 50% आप हो गया, तैयारी केवल 50% नहीं, तो आवेदन में कहां कहां ध्यान देना होगा? नहीं, आवेदन में तो खास करके क्या चाहिए कि आप एक बार पहले अपने से कॉलम का स्टडी कर लें कि इसमें कौन कौन सा कॉलम है, उसका क्या हमको भरना है, जवाब देना है, क्योंकि आपको भी पता है कि लास्ट मोमेंट में प्रेशर और बढ़ जाता है और उसी प्रेशर में गलती होने की संभावना है मैक्सिमम आपकी बनती है, क्योंकि साइबर कैफे वालों का भरोसा आपको नहीं रहना है। साइबर कैफे वाले जल्दी जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में, अधिक से अधिक बच्चों का फॉर्म भरने के चक्कर में गलतियां करते हैं और वो गलती आपके लिए आत्मघाती कदम हो जाता है लास्ट में चल करके। इसलिए करके जहां भी आप फॉर्म भरवाते हैं एक एक कॉलम पर बैठ के अपने से देख करके, नहीं होगा तो एक पहले से रफ कर लें उसका, और रफ अपने से पहले से भर के उसको ले करके जाएं और सामने में भरें, और सबमिट करने से पहले 2-3 बार उसको अच्छे से देख लें फाइनल सबमिट करने से पहले, क्योंकि एक बार आपने गलती कर दी तो बाद में चल करके एडिट का ऑप्शन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और आपका चांस मिस कर जाएगा। इसलिए एक बार 2-3 बार
दोबारा से आपको 50 रुपया 100 रुपया ज्यादा ले ले कैफे वाले, उसको आप दे दीजिए, लेकिन फाइनली आपको 2-3 बार चेक करके ही फॉर्म भरिए, इस बात को ध्यान रखें। एक ईडब्ल्यूएस को लेकर सबसे बड़ा समस्या ये है, शिक्षा विभाग तो नहीं, मतलब हर जिला से ये नोटिस उनको दिया गया कि कारण बताइए आप क्यों एक ईडब्ल्यूएस एक वर्ष के बाद लगाए हैं, जैसे एक वित्तीय वर्ष के लिए ईडब्ल्यूएस है तो यदि पुराना लगाते हैं तो इनका नौकरी जा भी सकता है, चूंकि कारण बताओ नोटिस मांगा गया, तो उस नोटिस से यदि सरकार आयोग या अधिकारी संतुष्ट नहीं होते तो इनको छोड़ना पड़ जाएगा वेतन उठाने के बाद। एक्चुअली में क्या होता है, अब जैसे कि अगर रेलवे या दूसरे कंपटीशन की बात करें, अगर आप जो लाभ ले रहे हैं आरक्षण का, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या दूसरा रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका यूआर में काउंट करता है, यूआर में काउंट करता है। तो लेकिन टीचर वाले में कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का कंडीशन आपका बने, इस लेकर के ईडब्ल्यूएस का या किसी भी जो आप आरक्षण का नियम होता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो काउंट करता है, मार्च टू मार्च का है या अप्रैल टू अप्रैल का है वो काउंट करता है, इसलिए एक साल के अंदर का आपका बना हुआ होना चाहिए, वही आपका मान्य होगा, और उससे पुराना दे देते हैं हो सकता है कि आपको परेशानी हो जाए। सर अटेम्प्ट कितना भी क्लियर कीजिए, बच्चे को लग रहा है कि अटेम्प्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, सुबह से शाम तक अटेम्प्ट का इतना कॉल आता है, जैसे कोई विद्यार्थी एक बार 6-8 दे दिया उसके बाद वो स्किप कर गया, अगला अटेम्प्ट में वो 9-10 दे रहा है, तो 9-10 का एक ही अटेम्प्ट काउंट होगा, 6-8 का एक नहीं, अटेम्प्ट का तो जैसे पहला ये रूल है कि आपको हर क्लास के लिए 3-3 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा अभी वर्तमान के अनुसार, बाद में बढ़ा दे तो अलग बात है, नियोजित को 5 अटेम्प्ट, हाँ नियोजित को 5 अटेम्प्ट, और उसमें भी अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट होता है, ये नहीं कि फॉर्म भर दिए तो हमारा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट को भी गंभीरता पूर्वक इस बात को लेते हुए अटेम्प्ट या तो हटा दे या तो कम से कम दुगुना कर दे, 3 के बदले में 6 कर दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि एक ही साल में उसका तीनों अटेम्प्ट पूरा हो जा रहा है और उनका एक तरीके से बिहार के संदर्भ में करियर समाप्त होने वाली बातें हैं अगर उसका नहीं हो पाता है, तो ये बहुत हाईली रिस्क उन बच्चों के लिए हो जाता है। इस लेकर के बहुत स्टूडेंट आएंगे पूछने के लिए क्या करें सर, हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें, मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है, तो उन अभ्यर्थी को फॉर्म भरने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, लास्ट मोमेंट में आप देख लीजिए कि तैयारी आपका सही है तो अपीयर होना है, हो सकता है कि उस समय तक आपका अटेम्प्ट बढ़ा दे, तो अटेम्प्ट बढ़ा देगा तब तो कोई बात ही नहीं है। सर सरकार भी किस तरीका से एक्शन लेता है, जो पहले से शिक्षक हैं जो नौकरी में हैं उनको 5 अटेम्प्ट दे दिया जाता है, जो बेरोजगार हैं उनको 3 ही अटेम्प्ट दिया जाता है, अभ्यर्थी ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार भी कहीं सो जाती है क्या कि हम लोग अभी बेरोजगार हैं तो 3 अटेम्प्ट दें, जो रोजगार में वो 5 अटेम्प्ट दें। सर ये सब बात तो अलग है, जिस तरीका से स्टेट का जो वितरण हो रहा है, जैसे बाहर के बच्चे हैं पटना में आके 11 जगह 12 जगह वितरण हो रहा है, अन्य जगह पे है बहुत लोग उसका पुराने जो आवेदन कर चुके हैं वेब स्कैन डाले हुए हैं, जो वेब कॉपी आया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत नहीं है, लेकिन देखेंगे कि एस्टेट 19 और एस्टेट 23 उसमें सब डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बता दिया गया है कि किनको कहाँ उसका उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा और खुद जा करके लेना है, खुद जा करके। और जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, पटना से बाहर के अभ्यर्थी, बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए पटना में मिलना है और 11 अलग अलग स्कूल तय किया गया है जहाँ सर्टिफिकेट का वितरण होना है। तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपके वीडियो को देख रहे होंगे इसका डिटेल अपने कम्युनिटी में आप लगा दें तो बाहर के अभ्यर्थी को और जो नहीं देखे होंगे नोटिस उनको और सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि उसमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको कहाँ मिलना है ये सर्टिफिकेट, तो निश्चित रूप से और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके आना है तब जाकर के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए अभ्यर्थी आए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं मतलब जिस तरीके से सर आप गंगा घाट का एनालिसिस करते हैं, मैं भी बहुत उसको करीब से देख रहा हूँ, 90 रहे 95 रहे कहीं शतक भी लग जा रहा है, क्या उम्मीद किया जाए कि पिछला बार ही वाला रिपीट होगा, बच्चे को फिर जुनून से लगना पड़ेगा, इधर अतुल सर कह के तो चले गए कि क्वेश्चन का लेवल सही रहेगा, अब नए अध्यक्ष रहेंगे सब कुछ नया रहेगा, क्या उम्मीद किया जाए? नहीं, मेरा ये कहना है कि कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रही है, इशारा भी किया गया कि क्वेश्चन का लेवल आपका हम बढ़ा सकते हैं, और अभी देख रहे हैं कट ऑफ जिस हिसाब से भाग रहा है तो आपको अधिक से अधिक मेहनत करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा हुआ, इसलिए TRE 1 TRE 2 दोनों के प्रश्न पत्र को सामने रख करके एक बेस अपना देख लें, बेस बना लें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस तरह का क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएं। अब तो समय भी नहीं है, बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए जितने भी
टाइप्स हैं, खास करके जैसे मैथ हो गया, मैथ एंड साइंस हो गया, तो इसमें क्वेश्चन का टाइप हमेशा रिपीट करता है। और जनरली देखा गया है कि टीआरई वन में जो टॉपिक टच किया है, जनरली टीआरई टू में भी उसी तरह का टॉपिक को टच किया गया है। और कोई भी क्वेश्चन जब सेट करते हैं तो हमको लगता है कि आधार वही बना करके चलते हैं जो जनरली देखा गया है कि किस तरह का प्रश्न पत्र लगातार पीछे पूछा गया है, उसी को बेस बना करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो खास करके उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा अपना आप कंसेप्ट क्लियर रखें, बहुत कम बदलाव की संभावनाएं रहती है। इसलिए हाँ, इसलिए 80-90% क्वेश्चन का पैटर्न टाइप यही रहेगा। 10% थोड़ा फ्लक्चुएशन का उम्मीद रहता है कि हो सकता है जैसे 10th लेवल तक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको 11th-12th लेवल का भी और क्वेश्चन उसमें डाल दिया जा सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन भी, और उसमें भी एनसीईआरटी पैटर्न और एससीईआरटी पैटर्न दोनों पैटर्न को साथ लेकर के चलना होगा। थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, अंतर तो बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम अंतर होता है, थोड़ा अंतर होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। सर लास्ट प्रश्न है, विद्यार्थी जो देख रहे हैं उनको अब क्या कहिएगा, क्या एग्जाम का डेट जो है वो अस्थाई है? चूंकि अतुल सर के जाने के बाद विद्यार्थी थोड़ा सा संशय में आ गए हैं, आवेदन जिस तरीका से अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, सीट नहीं बताया गया तो लोग आवेदन भी नहीं करेंगे, क्या आवेदन का डेट बढ़ जाएगा या लास्ट 3-4 दिन पड़ेगा तो इतना साइबर पर बिजी व्यस्त हो जाएंगे बच्चे या साइबर कैफे वाले भी परेशान हो जाएंगे, क्या हो सकता है कहीं आवेदन डेट बढ़ जाए चूंकि अभी तक सीट क्लियर नहीं किया गया? नहीं नहीं, आवेदन डेट बढ़े या नहीं बढ़े, जब तक बढ़ा नहीं दी जाती है तब तक संशय वाली स्थिति बनाकर नहीं रखना है, वही अंतिम डेट को मान करके चलना है और उसी हिसाब से काम करने का प्रयास करना है। और आयोग को भी चाहिए, अगर बढ़ाना है या जो भी करना है तुरंत निर्णय होना चाहिए। अभी भी जहां पर जैसे कंफ्यूजन अभी सीटेट अभ्यर्थी के साथ में है कि सर्टिफिकेट नंबर क्या डालें, तो आयोग को ये सब बात क्लियर करना चाहिए। और अभ्यर्थी से मेरा यही होगा कि आप एक दिन दो दिन वेट कर लें, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ की भी हम प्रायोरिटी रखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रह सकती है उसके हिसाब से हमको 3 डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, एक दिन दो दिन वेट कर लें और उसके बाद बड़ा सावधानी पूर्वक अपने फॉर्म को डालें आप।